ये लो, बहुत एहतियात करना ज़ायदा। अगर ध्यान से ये काम नहीं करोगे तो ये मेरी मौत का परवाना होगा जो तुम्हारे हाथ में दिया है मैंने। तुम जिंदान से भाग क्यों नहीं जाते मुख्तार? कहीं जुबहरियों के यखनी तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? तुम कब तक उमर के बेटे की तवज्जो बल्कि सफिया की आजिजाना गुजारिशों पर तवज्जो करके अपनी आजादी की सिफारिशें कराते रहोगे? ये आखिरी बाजी है जायदा। अगर मैं जिंदान से भाग जाऊं तो जुबैरियों को मेरे खुरूज की खबर मिल जाएगी, सारे जहां को पता चल जाएगा कि मेरा क्या इरादा। दुश्मनान अली ऐनुल्कुदा में तवाबीन के कत्लेआम के बाद इस बात पर यकीन रखते हैं कि शियों का खतरा खत्म हो गया। इसी यकीन पर रहें तो हम सबका फायदा है। दिलों को तसल्ली दे सकती है। सुलेमान, मुसय्यब, बिनवाल और बिन साद मरे नहीं हैं। वो लोग सूरज की शक्ल में सुबह के वक्त रोजाना ता कयामत तुलू करते रहेंगे। वो लोग हर नेक जुबान का नगमा बनकर जिंदा रहेंगे। अगर हम भी दीनदारी और खुलूस में उनके जैसे होते तो हमारे उरूज के पर न कटते। अभी बहुत सी ऐसी राहें हैं जिन पर हम नहीं चले हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमने सुना नहीं, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमने इकरार नहीं किया, और देखने की बहुत सी चीजें जो हमने नहीं देखी। तवाबीन, आज के बाद से एक और जिम्मेदारी अपने सर पर रखते हैं। हमें ऐनुल वर्दा और करबला के खून का इंतकाम एक साथ लेना होगा। अब हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हमें इन सूखी हुई और उजड़ी हुई जड़ों की दोबारा अभियारी करनी होगी। इस तहरीक को अब आगे बढ़ाना, दोबारा कुव्वत जमा करने पर मशरूत है। हमारी खबरें आप तक पहुंचाने वाला शख्स बसरा में मुसन्ना बिन मखरबा और मदाइन में बिन हुज़ैफा होगा। हमारी तमाम खबरें लोगों के जरिए आप सब तक पहुंचेंगी। जाइए जाइए, कुछ जान ताजा कीजिए और अपने आप को बनाइए यहां तक के फिर उठें। खुदा के हवाले मेरे भाई। खुदा के पनाह में मेरे भाई। दुरूद हो ऐनुल वर्दा के थके मांदे मुजाहिदों पर। मैं अबू इसहाक मुख्तार सकफी की तरफ से एक खत लेकर आया हूं। मुख्तार? खुदा उसकी गलतियों को माफ ना करे। अगर मुख्तार तवाबीन की मदद के लिए आया होता
तो ऐन उल वर्दा के इस जंग का नक्शा ही कुछ और होगा। दुरूद हो ऐन उल वर्दा के शेर दिल मर्दों पर, हवा ने आपकी शुजातों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मधोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर। बहुत शर्मनाक है। क्या लिखा उसने रूफा? सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें, कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो। रूफा है, खुदा की कसम ये मुनसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है, मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं। जंगजादे, तो क्या तुम समझते हो कि तवाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐन उल वर्दा की तरफ गए थे? हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था। जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद भी ऐन उल वर्दा की तरफ चल रहा था, अगर जुबेरियों की गुल जंजीर का कैदी ना होता। मतलब मुख्तार कैद में था? अब तक कैद में है। मगर क्यों? क्यों का सवाल जुबेरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया उसी दिन आधी रात को मुख्तार के घर पहुंचकर उसे कैद करके ले गए थे। इस तरह तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इजहार करके उसके पीठ पर छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है। हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं। नहीं मुसन्ना, मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहनी चाहिए। फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है? अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबेरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे। क्या मतलब क्यान? बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐन उल वर्दा के फातह बन जाए। वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत न बचे। सुभान अल्लाह, तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया? ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी। इस तरह तो वो ऐन उल वर्दा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है। सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए, इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए। अबू इसहाक से कहो कि तवाबीन तुम्हारे साथ। क्या लिखा है उसमें? हम दोनों से मुख्तार की आजादी की दरखास्त की है, ये लो तुम खुद पढ़ लो। क्या करें, समझ नहीं आ रहा। मेरी राय तो यह है कि हमें मुख्तार को आजाद नहीं करना चाहिए। तुम उमर के बेटे को नजरअंदाज कर सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता। अगर खलीफा की औलाद हमसे नाराज हो यह उससे बेहतर होगा कि खलीफा नाराज हो जाए। आजादी मुख्तार का मतलब वही पिछली परेशानियां और घबराहटें। अगर मुख्तार आजाद हो गया तो चैन से नहीं बैठेगा, खास तौर पर जबकि वो कैद किया गया है और जख्मी भी।
मुझे लगता है कि तवाबीन की ऐन उलवरदा में शिकस्त के बाद शियों के हाथ पांव कट गए होंगे और उनका सारा जोश खत्म हो गया होगा और ये मरवानियों के हरीफ नहीं हो सकते, लिहाजा वो मजबूर हैं कि हमसे इत्तेहाद कर ले। ये बताओ खलीफा को क्या जवाब दोगे अगर हमने मुख्तार को आजाद कर दिया? खलीफा आखिर क्यों नाराज होंगे जबकि मुख्तार का आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि मुख्तार आजाद होकर आले जुबैर के खिलाफ साजिश नहीं करेगा? अब तक तो नहीं की। मेरी मानो तो मुख्तार को मार डाले और इसके शर से निजात हासिल कर ले। लानत खुदावंद और शैतान रजीम पर। छत को आखिर कितना घूरोगे मुख्तार? तुम्हारी निगाहों की तेजी ने तो छत में सुराख कर दिया। अब तो तुम्हारे सब्र और हौसले ने तुम्हारी चाह पूरी कर दी है। आजाद हो गया? बजाहिर तुम्हारी पुश्त बहुत मजबूत है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि उमर के बेटे की मेहंदी आले जुबैर के यहाँ भी रंग ले आएगी। खलीफा जादे के खत ने अपना काम कर दिखाया। यकीनन बिन यजीद ने उमर के बेटे की सिफारिश के बारे में अपने जुबैर से बात नहीं की, वरना वो मेरी आजादी के हुक्म के साथ अपनी मौत का हुक्म सादर न करता। वो लोग तुमसे वादा लेने आए हैं ताकि तुम बैत न तोड़ो और हंगामा आराई ना करो। जैसा कि नजर आ रहा है कि तलातुल खैर का नवासा तुम्हारी आजादी के खिलाफ है, मगर बिन यजीद ने उसे चुप करा दिया है। तुम ध्यान रखना और उसको गुस्सा मत दिलाना, इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल ले जल्दी करो। तुम्हारे कदम जंदान के बाहर पहुंच जाए तो कोई तुम्हारे कदमों की खाक भी नहीं छू सकेगा। अपनी शाल और कबा पहनो और चलो। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आंखें अंधेरे में रहने से धुंधलेपन का शिकार हो गई हैं, वरना मैं अहले मार्फत के दीदार में सलाम करने में पहल करता था कि दुगना सवाब हासिल करूं। मुख्तार, जो शख्स अपनी कुर्सी और मनसब को दांव पर लगा रहा है ताकि तुम ऐसे आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी की खुशियों तक पहुंच सको और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, मुझे मालूम है कि तुम्हें आजाद करना मेरे लिए तकलीफ दे होगा, मगर क्या करूं? उसने मुझसे तुम्हारी आजादी की दरखास्त की जो मेरे लिए निहायत मोहतरम है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस नेकी का सिला यूं दोगे कि जब तक हम कूफा में हैं तुम आले जुबैर के खिलाफ कूफे में कोई कदम नहीं उठाओगे और हमारी बेइज्जती नहीं करवाओगे। मेरे अपने और मेरी जमीनें लावारिस पड़ी हुई हैं और मेरी खेती बाड़ी का काम भी तबाह हो गया है। मैं वादा करता हूं कि मेरी तलवार नियाम से बाहर ना आए सिवाय किसी बेलचे के दस्ते को तराशने के लिए या दरख्त की कटाई के लिए। मैं चाहता हूं कि अपनी जायशुदा जिंदगी को किसी हसीन दरख्त की परवरिश में या किसी पौधे के बढ़ने के मंजर को देखने से करता रहूं और अपनी बाकी मानदा जिंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दूं। जाओ मुख्तार, जाओ, तुम अब आजाद हो। अब बाकी जिंदगी का कुछ हिस्सा तवाबीन के यतीम बच्चों पर सर्व करो। कीना तूजियों और दुश्मनियों का कोई समर नहीं है सिवाय कूफे के यतीमों में इजाफे के। आजादी मशरूत है मुख्तार। मशरूत किस बात पर? तुम्हें कलाम इलाही पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि तुम बैत नहीं तोड़ोगे और आले जुबैर के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे।
और अगर कसम तोड़ोगे तो तुम्हें मक्के में 1000 ऊँटों की कुर्बानी करनी होगी और अपनी तमाम तर मिल्कियत, चाहे औरत हो चाहे मर्द, सबको आजाद करना होगा। सच है कि आपने मुख्तार को आजाद कर दिया है? हाँ, मुख्तार आजाद हो गया है। क्यों? क्यों? अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा पिसर एसाद। तुम लोगों को रोजी रोशन मुसलमानों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाजत दी है। हाँ, क्या हमारे दरमियान तय नहीं पाया था कि तुम लोग अपने खाना खराब घरों में बैठे रहो और हमारी और अपनी हर तरह की राव रस्म का इनकार कर दो? हाँ अमीर, मुख्तार की आजादी का हुक्म यानी आपकी और हमारी मौत का हुक्म, यही थी वो सियासत जिस पे आपको इतना नाज था? हाँ जानता हूँ मुख्तार को आजाद नहीं होना चाहिए था, मगर मुख्तार की आजादी उसने मुझसे मांगी जो हम सब के लिए अजीज और मोहतरम है और उसकी हुरमत वाजिब है। आप पिसरे जुबैर के भेजे हुए हुक्मरान हैं या पिसरे उमर के भेजे हुए हुक्मरान हैं? मुख्तार की आजादी का मतलब फितना यानी अशुभ यानी जंग जंग जंग। आपने एक खलीफा जादे की दोस्ती का ख्याल क्यों रखा? क्योंकि मेरे कान मेरे अपने नहीं थे, एक ऐसे खलीफा की अजमत और एहतराम से भरे हुए थे जिसने अरब को अजम और तुर्क और तातार और रोम और जंगी और हिंदू पर मुसल्लत कर दिया। ये ठीक है कि खलीफा जादे ने सियासत को छोड़ दिया है, मगर सियासत ने उसे नहीं छोड़ा। यजीद, जो कि यजीद था और किसी खुदा को नहीं मानता था, वो भी अब्दुल्ला इब्ने उमर के हुक्म को मानता था। अमीर, मान लीजिए कि मुख्तार की आजादी इराक की हर हुकूमत के लिए खतरा है, चाहे उमवी हो या जुबैरी। मुख्तार एक अलवी हुकूमत बरपा करना चाहता है, अगर उसे ढील देंगे तो वो अपने ख्वाब सच्चे कर दिखाएगा। मुख्तार कल तक खतरे का बायस था शेमन, अब वो आवाज ना निकालने वाला मुर्गा है। उसके तवाब भाइयों के शिकस्त खाने से वो भी टूट गया है। दूसरी तरफ हमने कुरान को मुसालियत का जरिया बनाया है, उसने मुखालफत ना करने की कसम खाई है। तो फिर आपने मुख्तार को पहचाना ही नहीं है? वो अपने ख्वाबों के ताजो तख्त को पाने के लिए कुरान तो क्या साहिब कुरान का भी इनकार कर देगा? अगर तवाबीन के पास मुख्तार जैसा कोई रहनुमा होता तो वो लोग ऐन वर्दा को मरवानियों का कब्रिस्तान बना देते। मुख्तार खुदा है, सियासत तो जंग है। मैं बारहा बारहा उसके आगे मकलूब हो चुका हूँ। शक मत कीजिए कि आपसे भी बहुत बड़ी खता सरजद हो गई है। कल जब ये सांप आप और आपके लोगों को डस लेगा, उस वक्त आप समझेंगे कि जरा सी भी सियासत नहीं जानते। काफी है उमर एसाद। जिस दिन तुम रे के मोती के लिए हाथ पैर चला रहे थे और खून के दरिया में नहा रहे थे, उस दिन बड़ी मछली की फिक्र करनी चाहिए थी। आज मेरे दामन पर पंजे मार रहे हो और कह रहे हो कि ये बोसीदा है। ये बोसीदा दामन हमारे लिए छोड़ दो। हम जानते हैं कि जो मुख्तसर से सियासत जानते हैं, इससे खुद को कैसे बचा लें। तुम जाओ और उन हड्डियों से पना मांगो जिन्हें करबला के मैदान में तुमने दफन किया है। अहले बैत रसूल का रहम और मुरव्वत बहुत ज्यादा है, शायद तुम्हें इस मुश्किल से निजात दे दे। तशरीफ ले जाइए। और हाँ, हमने खुफिया तौर पर यह तय किया है कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे। मैं वादा नहीं कर सकता कि आप जैसों की जान की जमानत कर सकूं। Ha 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 ha!
बिन यजीद घबराओ मेरी बच्ची, तुम्हारा बाप चकरा गया है। यकीनन किसी ने आज इनकी तुम पे पांव रख दिया है, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। बाबा की तो दुम नहीं है, इनका दिमाग कैसे खराब होता है। ये जिन ज्यादा हो गए हैं मेरी जान, तुम लोग कमरे में जाओ ताकि मैं इनका जिन पकड़ सकूं। अब्बू, कली के बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ नहीं खेलते। जब घर के अंदर आकर खेलते हैं तो बाबा डांटते रहते हैं। हफ्स भी जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर मैं क्या करूं? मेरा हौसला जवाब दे चुका है। बदतमीज! क्या मतलब है बदतमीज? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारा क्या वास्ता कि हमारा बाप यजीदी है? जाहिल के बच्चे! खुश रहिएगा। क्या तरबियत की है आपने? ये जाहिल के बच्चे मेरे लिए अजाब के फरिश्ते बन गए हैं। तुम्हारा दिमाग तो हिल गया है, पाँव क्यों हिला रहे हो? पागल हो गया हूँ, तुमने मुझे पागल बना दिया है। क्या ये जिंदगी है कि मुझे घर के अंदर भी वही बकवासियात सुनने को मिलेगी जो गली के लोगों का फिरते जबान है? शाबाश है मोहतरमा, क्या पूर अमन घर बनाया है मेरे लिए। ये घर पूर अमन था, तुमने इसे भी अमन बनाया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें? जी हाँ, जाहिर है बानो मोहतरमा को पूछना चाहिए कि उनके घर के बावर्ची खाने में तुम्बे की बिरयानी जो नहीं बनती, उनको मखमल हरियर और महंगे लिबास पहनने को नहीं मिलते, उनको हीरे मोती और सोने का ग्लूबन जो मैसर नहीं है, उनके पास कनीजे और नौकरानियाँ नहीं है ना। मैं सच कह जाऊँ बानो पर कि इतनी गुर्बत और खाक नशीनी की जिंदगी गुजार रही है कि अब थक गई है। मैं किसी चौराहे पर बैठे भिखमंगे की बेटी नहीं थी शहजादे। मैं उस रात महल में रहने वाली थी जब मेरा हाथ मांगने आए थे, भूल गए? बस भी करो जारिया, तुम तो मेरा दिमाग ताजा मत करो। ये तुम हो जो जिंदगी को अपने मेरे और बच्चों के लिए जहरीली बनाते जा रहे हो। फिर मुख्तार कैसे आजाद हुआ नहीं कि खौफ और हिरासत हमारे घर को घेर लिया? उमर, कुफा अब रहने की जगह नहीं है। तुमने इन गलियों और लोगों से क्या अच्छा देख लिया जो दोनों हाथों से इस खराबे को पकड़कर बैठ गए और छोड़ना नहीं चाहते? तुम भूल गए कुफा की औरतों ने भी तुम्हें किस जिल्लत और ख्वारी के साथ मस्जिद कुफा से बाहर निकाला, तुम पर पत्थर और डंडे बरसाए, तूफ और लानत की? हम कुफे से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ चले जाएं औरत, मेरी तमाम जायदाद इसी खराबे में है। उमर, चलो कुछ अरसे के लिए शाम या हिजाज की तरफ चलते हैं, जब तक कुफे के हालात ठीक हो जाए। अपनी जायदाद किसी अमानतदार के हवाले कर दो कि हमारे आने तक उनकी देखभाल करे। ये लोग इतने चोर हैं कि इधर हमने कुफे से बाहर कदम रखा और ये सब कुछ बेच खाएंगे। जब तुम्हारी जान तुम्हारी जायदाद में अटकी हुई थी तो तुम रे कैसे जाना चाहते थे? तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है जारिया? रे का मामला अलग था, और फिर मुझे कूफे से क्यों चले जाना चाहिए? कूफा किस खबीस की मिल्कियत है जिसे मैंने चुराया है? तो कूफे में क्या होना है जो मैं जाऊं? मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? तवाबी ने जो इतने सारे हंगामे किए उनका क्या हुआ? हम कूफे से चले जाए, मैं कूफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसर साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है।
ये सब क्या है? क्या किया तुमने अपने साथ? मेरे बच्चे? बच्चा नहीं हूँ मैं बुढ़िया, मैं हूँ हफ्स इब्ने उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, सतार जंगे करबला का बेटा, फातेह ईरान का नवासा। अच्छा अच्छा, इतने ढेरों ढेर लकब लगाओ ताकि सारे चोरों चके तुम्हारी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, तुम्हारी ये दुर्गत बना दे। कसूर आपका है जो मुझे तलवार ले जाने से मना करती हैं। किससे लड़के आए हो? और उस शख्स से जो मेरे बाप की तोहिन करे। अगर मेरे पास तलवार होती ऐसा काम करता कि कूफे की हमला औरते जब उमर सात के बेटे को देखे तो अपना हमल गिरा दे। बेटा। जी बाबा। तुम लड़े क्यों थे? और यान के साथ नहर पर मछली पकड़ने गया था कि माई गिरोह के छह सात बच्चे हमारा रास्ता रोक के खड़े हो गए कि यहाँ हमारा कब्जा है, तुम्हें यहाँ शिकार का हक नहीं। उरियान डर गया, वो वापस लौटना चाहता था। मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। कब्जे का क्या मतलब है? नहर तो सबके लिए है, नहर खुदा की है। हमारी भैंस बढ़ गई। उरियान के मुंह से निकल गया, जानते हो किससे लड़ रहे हो? ये उम्र सात का बेटा है। उन खबीसों ने कहका लगाकर मेरा मजाक उड़ाया। एक ने आपको गाली दी, मैंने उसे मारा, सब मुझ पर टूट पड़े। कौन सी गाली दी? बेहतर होगा कि आप ना सुने। बहुत ही बुरी गाली दी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाक से खून बह रहा है, थोड़ा सा सर भी फटा है। अगर उरियान नहीं भागता तो उनका हशर नशर कर चुके होते हम। मैं एक था, वो लोग साथ थे। हैव की तलवार नहीं थी मेरे पास। आज के बाद जहाँ भी जाओगे तलवार हमाइल करके जाओगे। इन कूफियों से अब सिर्फ तलवार की जबान से बात करनी होगी। क्या करना चाहते हो? मैं वाली कूफा की माजूली का हुक्म लिख रहा हूँ। तुम कब तक इस खातों किताबत पर दिल बहलाते रहोगे? अपने मुंह को घार में छुपा लिया है, रतराफ की खबर नहीं लेते? आज कुफा यजीद और उसके साथियों से बेजार है। तुम शिम्र और तुम लोगों के साथी अहले कुफा के मनफूर हो। कुफा के बच्चे रोजाना तुम लोगों की शक्लें लकड़ियों पर लेकर मजाहिया अशार पढ़ते हुए गलियों में घूमते हैं। अगर तुम जैसे लोगों की जुबेरियों के नजदीक कोई कदर मंजिलत होती तो वो तुम लोगों को खाना नशीन नहीं करते। तुम अपने ही घर में कैदी हो उमर, यकीन क्यों नहीं करते? खुदा की कसम हमारे पास कूफा छोड़ने के सिवा कोई हल नहीं है। जारिया, अगर आंधी भी आ जाए तो वो भी मुझे कूफे से नहीं हिला पाएगी। अब तुम बोलती रहो। ये शख्स नौ मन दूध वाली गाय की तरह हो गया है। कामयाबी से भरे हुए दूध के बर्तन को एक लात से गिरा दिया है। बिन मुती, इससे पहले कि तुम्हारे हुक्म की मोहर सूख जाए अपने आप को कूफा पहुंचा दो और कहानी खत्म कर दो। खुदा करे कि देर ना हुई हो। हाँ, अभी निकले नहीं हो कि पहले ही हार गए? कूफा एक खौफनाक मैदान है, मुझे फिक्रमंद होने का तो हक दीजिए। कूफे में सियासत और तलवार बयक वक्त चलाई जानी चाहिए, वरना हम उसे संभाल नहीं सकते। जनाब आली, ये फिदवी तो उसी वक्त बिन यजीद को कूफा भेजने के खिलाफ था। बहुत सियासत बाज था वो। ये तो सियासत नहीं है, उमर के बेटे का फैला हुआ पांव है। वो दावा करता है कि सियासत और हुकूमत में दखल अंदाजे नहीं रखता, मगर हमारे बाज हुक्मरानों के साथ मुकादबा करता है। खत लिखा है उसने। अल्लाह अकबर, हुकूम
एक बिन यजीद जैसा जाहिल वाली उसका जी हुजूरी करने वाला बन गया है। उसके हुक्म का सर आंखों पर रखता है। लानत है इस कदर हिमाकत पर, तुफ है इस हद के बचपने पर। ये पांव कट जाने चाहिए बिन मोती। तुम्हारी मुख्तार से पुरानी दोस्ती है तो फिर कोशिश करो कि उसे अपनी तरफ बुला लो और बड़ी मिठास के साथ सुलेमान और उसके साथियों की तरह उसे भी जन्नत की तरफ रवाना कर देना। और हाँ, शमर और उमर साहब से भी माफी दोस्ती कर लो। मुझे हौसला नहीं है कि रोजाना उनके कासिद मक्के की तरफ रवाना हो, उनके आगे भी कुछ हड्डियां डाल दो, मगर इस तरह के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। आपकी दुआएं हैं, आप कैसे हैं? हम दुआगो और शुक्रगुजार हैं। इस तरफ कैसे? खुदा ने तौफीक दी तो उमरे का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। उमरा? वो भी इन दिनों में, जबकि कूफे को तुम जैसे नामवर लोगों की जरूरत है। वाजिब फरीजे को छोड़कर मुस्तहब को अदा करने जा रहे हो? कूफा आप जैसों के लिए वजीफों से भरा हुआ है जो सियासत को वाजिब फरीजा समझते हैं। हम जैसों के लिए नहीं जिनका सरोकार जरात से है। किस बात पे हंस रहे हो बिन मोती? आपकी मुर्गी की दुम जो नजर आ रही है। ये मुर्गी की दुम कहाँ है? कूफे की राह यहाँ से है और आप मदीने से आ रहे हैं। रोजे रसूल की जियारत को गए थे ताकि हमारे उम्रे का सवाब दोगुना हो जाए। इसमें कहाँ पर हंसने की बात थी? ये कहो कि हजरत सज्जाद के पास गए थे ताकि सियासी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करो। बहुत खूब, उनकी राय क्या थी? फर्ज कर लीजिए कि आप ठीक कह रहे हैं तो क्या हमने कुछ खिलाफ शरीयत किया है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल बजा काम किया है। उमरा करने को पहुंचे तो एक चक्कर इमाम सज्जाद के चचा के पास भी लगा लीजिएगा। सुना है कि जैनुल आबदीन ने अपने चचा को कूफे के मामलात में अपना वकील बनाया है।
तुम इतने सारे अफराद के साथ किस इलाके को फतह करने का इरादा रखते हो? कूफे का आजम रखता हूँ बिन शुरै, हुक्म इमारत कूफा के साथ, और ये वो जिम्मेदारी है जो खलीफा ने मेरे कंधों पर डाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिन यजीद गलत साबित हुआ। यकीनन उसकी तबाबीन से हिमायत खलीफा को नाराज कर रही है। नहीं अब्दुल रहमान, नहीं, तबाबीन की हिमायत खलीफा का ईमान है। ताज्जुब है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दूर की कौड़ी लाए। जमाने के खेल से मुझे हंसी आती है बिन शुरै। जब मुझे इमारत का हुक्म मिला तो मुझे याद आ गया कि तुम उन लोगों में से हो जिनकी मुझे सबसे पहले दाढ़ी चलानी है। हैफ है, तुम्हारा मक्का में ज्यादा ठहरने का इरादा तो नहीं है? कूफे में तुम्हारे पास मेरे अलावा इतनी मसरूफियात होंगी कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहेगा। हम बड़े सुकून के साथ अपनी जियारत करके बड़े आराम से वापस लौट सकते हैं। आओ, तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। और हाँ, हमारे दोस्त की क्या खबर है? अगर खुदा का कह रहे हो तो हम नजारा कर रहे हैं, और अगर शैतान के बारे में कह रहे हो तो जनाबे वाला बेहतर जानते होंगे। अपने आप को धोखा मत दो, हम दोनों का खुदा और शैतान के अलावा एक तीसरा दोस्त भी है, उसका नाम अबू इसहाक मुख्तार है। मुख्तार या जिंदान में है या मैदान में, बज़ाहिर बिन यजीद ने तुम्हारे लिए रास्ता हमवार बना दिया है। मैंने सुना है उसने मुख्तार को कैद कर लिया है। मुख्तार को जब मैदान में होना चाहिए वो कैद में होता है, और जब उसे कैद में होना चाहिए वो मैदान में होता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से तुम कूफे से बेखबर हो। बिन यजीद ने मुख्तार को आजाद कर दिया और अपने आप को कैदी बना दिया, और इन दोनों के बीच में मैं फंस गया। अंदाजन हम कहाँ हैं अबू साहब? स्वीकार के करीब। बड़ा हैबतनाक सहरा है, मुझे हैरत है कि मुख्तार इस सहरा से अकेले कैसे जान बचाकर निकल गया। माजरा चाहता हूँ अमीर, मुख्तार इंसानों से ज्यादा जिन्नात से शबात रखता है। बहुत खूब उम्मे सलीम, जुदाई का मौका आ गया। हम बसरा में अजनबी हैं अब्दुल्ला, वहाँ हम किसी को नहीं जानते। मैंने जनाबे मुसब को लिखा है कि आप लोगों का ख्याल रखें ताकि आप लोगों को अजनबियत का एहसास ना हो। बेफिक्र रहिए, आप बसरा में खुश रहेंगी। हुकूमत बनी जुबैर के बहुत से बासर अफराद के घर वाले बसरा में रह रहे हैं, आप उनकी जान महफिल बन जाएंगी। जब हम कूफा में अपने कदम जमा लेंगे तो आपके दीदार को चले आएंगे। तुम कूफे के अमीर और हाकिम हो, आखिर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ कूफा क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरी कूफा पर हुकूमत मुख्तार जैसे खतरनाक रकीब को महार करने पर मशरूत है। मगर तुम तो मुख्तार के पुराने दोस्त हो। हाँ हाँ, मैं और मुख्तार बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, मगर फिलहाल रकीब हैं। दोस्ती जितनी करीब की हो दुश्मनी उतनी ही ज्यादा शदीद और खतरनाक हो जाती है, और अमीरी की दुश्मनी एक तरह की जंग है। जाओ उम्मे सलीम, जाओ जाओ, और ये दुआ करो कि मेरी और मुख्तार की दोस्ती हमें एक दूसरे के खून के प्यासे होने से रोक दे। जाओ खुदा की पनाह।
इतने बेचैन क्यों हो बिन मोती? बड़ी तंग करने वाली जगह है। तुम बैठते थे तो पुरसुकून थे क्या? जी नहीं, कितनी दफा इसने मुझे कब्र दिखा दी। इसी वजह से हम उतर चुके हैं और आप इस पर सवार। अपनी बैठक पर ध्यान रखिएगा। जब मेरी बेचैनी की वजह जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं ये तसल्ली करना चाह रहा था कि गलती मेरी नहीं थी। ये सवारी एक डसने वाली शय है। हमें सहरो जादू आना चाहिए ताकि इसे मार कर सके। सही, अगर सहरो जादू से हुकूमत की जा सकती तो अभी तक जादूगर नमूने इस वक्त तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ रहे होते। जिसको कूफे में जादू ना आता हो वो मौत के घाट भी उतरता है। तुम अच्छे सियासतदान हो बिन यजीद, और एक अच्छे जादूगर भी। हुकूमत करना जादूगरी से ज्यादा मुश्किल है। बाज़ औकात हाथ में आसाए मूसा भी हो तब भी काम नहीं चलता। हुकूमत में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेढ़ी तलवार से ही सीधे किए जा सकते हैं। जाइए और अपने आप को मक्का मुकर्रमा के सफर के लिए तैयार कीजिए। क्या ये हुकूमती सदा का हुक्म है? क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खलीफा का हुक्म है कि हम मक्के चले जाएं तो सर आंखों के चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो इजाजत दीजिए कि हम अगली मंजिल का इंतखाब खुद कर लें। अगर इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो कहाँ जाएंगे? मक्के के अलावा कोई जगह। कहीं आपको ये बुरा तो नहीं लग गया कि खलीफा ने आपकी जगह हमें बिठा दिया है? खुदा न खास्ता आप आले जुबैर को पीठ दिखाने का इरादा तो नहीं रखते? हरगिज नहीं। हमने हुकूमत की शर्ते आले जुबैर की बैत नहीं की है। हमें शरई जिम्मेदारी ने बैत करने पर मजबूर किया था। जब तक खलीफा और हम हैं, हम अहद मीसाक पर हमेशा साबित कदम रहेंगे। मैं जाती तौर पर थक चुका हूँ और कुछ अरसे सियासत के खेल से दूर रहना चाहता हूँ। इब्राहिम के बारे में नहीं जानता। और मैं मजारे रसूल पर जाकर मुजावरे कबरे नबी बन जाऊंगा। आप लोगों की जैसी मर्जी। बिन यजीद, आप जहाँ कभी इरादा रखेंगे हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि आपके सफर के असबाब मुहैया कर दिए जाएं। और तुम बिन मुजारिब, कूफियों को मस्जिद में बुलाओ। शरण और उर्फन हमें हुकूमत को मस्जिद कूफा और उसके मेंबर से शुरू करना चाहिए। है मुसलमानों, उस खुदा की कसम जिसका कोई शरीक नहीं, तुम लोगों की भलाई इत्तहाद में है, निफाक में नहीं। हम सब एक वाहिद खुदा रखते हैं, एक रसूल रखते हैं, हमारा एक कुरान है, एक वाहिद कबीला है, और इसके अलावा दुश्मन भी वाहिद है। बईद है कि कूफे में आज कोई फिरका खड़ा हो जाए जिसे मुरवानियों और उमवियों के फिस्क पर यकीन न हो। अगर कोई महदूद सा तबका मिल भी जाए तो वो मुंजली कौम है। आप लोगों ने यजीद के कारिंदों को कूफे से निकाल दिया मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। मरवानियों के नाम से जाहिर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मरवानियों ने शामात पर कब्जा करते ही बिन दलाजा को एक लश्कर के साथ हिजाज की तरफ भेज दिया है और इब्ने ज़ियाद को इराक की तरफ। अब्दुल मलिक मरवान ने इब्ने ज़ियाद से कहा है, अगर कूफे पर मुसल्लत हो गए, अगर कूफे पर कब्जा कर लिया तो 3 दिन और 3 रात तक कूफियों की नामूस तुम और तुम्हारे लश्कर पर हलाल है। तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह। भाइयों, दुश्मन बहुत ज्यादा और मुसल्ला हैं। अगर आप लोग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे और मरवानियों के मुकाबले पर जाएंगे तो फतह और जफर मुयसर नहीं होगी।
جیسے کہ توابین مغلوب ہو گئے اور عین الوردہ میں ان کا خون بہا، اور خدا ان کی مغفرت کرے۔ بہرحال امیر المومنین نے مجھے آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے لشکر ترتیب دے سکوں اور آپ کی سرحدوں کی حفاظت کروں، آپ کے خراج لوں اور آپ کے حصے تقسیم کروں، اور آپ لوگوں کے خراج کا باقی ماندہ حصہ آپ لوگوں کی رضامندی کے ساتھ امیر المومنین کے لیے بھیج دوں۔ جو بھی میرا ساتھ دے گا میں اس کا دوست اور بھائی ہوں، فتنہ گروں کا دشمن ہوں، گناہگار اور نافرمان کی کمر توڑ دوں گا اور منحرفین اور نافرمان کو قید کر لوں گا۔ یہ تو وہی ابن زیاد کا طریقہ ہے امیر۔ ابھی میرا خطبہ ختم نہیں ہوا ہے صاحب۔ باطل باتوں کا اختتام نہیں ہوتا۔ جو کچھ اب تک آپ نے فرمایا وہ صرف تکرار و تناقض تھا۔ ان لوگوں نے واعظ و نصیحت بہت سنے ہیں، انہیں ایسا امیر چاہیے جو اپنی باتوں پر عمل بھی کرے۔ شیطان کی باتیں وہ بھی ایک فاضل اور عقل مند انسان سے، صاحب ابن مالک آشاری کی زبان سے سننا تعجب خیز ہے۔ یہ صرف اس وقت سنی جا سکتی ہیں جب وقت ضائع کرنا ہو۔ میں عین الوردہ کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں شیخ۔ آپ نے فرمایا کہ میں شیطانی زبان میں بات کر رہا ہوں، پید نہیں، بشر خطا کا پتلا ہے، ہم سب شیطان کے وسوسوں کی زد میں ہیں۔ بے شک اگر میں نے بھی اپنے نفس کے شیطان کو مار ڈالا ہوتا تو میں اپنے طواف ساتھیوں کے قافلے سے پیچھے نہ رہتا۔ آپ جو کہ ایمان کا نقاب چہرے پر رکھتے ہوئے اور ممبر رسول اللہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی شیطان سے ڈرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ بات تو حق کی بات ہے، خدا کا فرمان ہے۔ صاحب یہ باتیں تو ہدایت سے بھرپور ہیں، جو تمہارا دل کہنا چاہے کہہ دو، سر آنکھوں پر سنیں گے۔ شاید میری ساری باتیں آپ کے مزاج کو اچھی نہ لگیں، لیکن اگر حقیقت کے طلبدار ہوں تو ہدایت کریں۔ توابین نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا، اگر کوفے کا حاکم وقت ان کی مدد کرنے میں مذائقہ نہ کرتا تو عین الوردہ کا میدان آج مروانیوں کا مقتل ہوتا، نہ کہ توابین کا۔ اگر بن یزید توابین کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کی، خدا اسے معاف نہ کرے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ بن یزید نے مدد نہیں کی کیونکہ یہ آل زبیر کی سیاست ہے کہ شیعہ کوفے میں ضعیف ہو جائیں اور اقلیت میں رہ جائیں۔ یہ لوگ شیعوں کو گروہ گروہ کی شکل میں مروانیوں کے مقابلے پر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ شیعہ ختم ہو جائے اور ان کی طاقت پامال ہو جائے۔ یہ غلط بات ہے، موافق نہیں ہوں میں صاحب۔ اگر تم میرے خطبے کو غور سے سنتے تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب مل کر دشمن سے لڑنے جائیں گے، گروہوں میں بٹ کر نہیں اور منمانی کرتے ہوئے نہیں۔ اگر توابین عین الوردہ نہیں جاتے تو کیا آل زبیر کی تلوار ان کی گردنوں پر تھی کہ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ کون سا تفرقہ پھیلانے والا جملہ ہے؟ خدا لعنت کرے اس پر جس کا ارادہ تفرقہ بازی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو عزم کیجئے، لشکر بھیجئے، شیعہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ تعصب سے دلوں کو پاک کیجئے تاکہ ہم سب مل کر جہاد کریں۔ حالات میرے تصور سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ خلیفہ کی توہین وہ بھی کھلے عام، یعنی زبیریوں کے اونٹ کو کوفہ میں ذبح کر ڈالنا۔ بن یزید نے حکومت نہیں کی کھیل کھیلا ہے، بالکل ان بچوں کی طرح جو بادشاہ بننے کے کھیل کھیلتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں امیر، ان سے میٹھے انداز میں پیش آئیں گے تو یہ ہم پر سوار ہو جائیں گے۔ آپ ان سے بہت زیادہ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں۔ مجھے مزید برہم مت کرو، میں پہلے ہی اپنے آپ میں بہت اکڑا ہوا ہوں۔ سیاست میں بعض اوقات ایک مسکراہٹ سے ایک لشکر کی جتنی فتوحات حاصل کی جا سکتی ہیں، میں ہنسنے پر مجبور تھا۔ اگر ہنستا نہیں تو حالات کی نوعیت کو سمجھ نہیں پاتا۔ نائب تو مختار کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، ان تمام گستاخیوں کا اثر وجہ مختار ہے۔ مختار کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے باوسو خبریں ملی ہیں کہ مختار نے آزادی کے بعد شیعوں کے بزرگوں سے مذاکرات کیے ہیں اور انہیں قید کے لیے تیار کیا ہے۔ مختار کو قید کرنا ایک غلطی تھی، مگر اسے آزاد کرنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ خدا قتل کر دے بن یزید کو، بلا وجہ اس نے مختار کو ایک خطرناک رقیب بنا دیا۔